जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर के फाउंडर एंड सीईओ सुहास राजकुमार ने पावर ट्रिप के साथ फेस टू फेस चैट सेशन किया था, जिसमें कि सिंपल एनर्जी की स्टोरी को शेयर करते हुए सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिलीवरी डेट और बैटरी कितना सेफ है जिससे कि स्कूटर में आग लगने के चांसेस ना हो पर बात की है। साथ ही सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर के अलावा और भी 2-3 प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किए जाने की प्लानिंग है। ये प्रोडक्ट सिंपल एनर्जी का दूसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर हो सकता है, जिसका नाम सिंपल 2 हो सकता है या फिर हम इसको कह सकते हैं। इसके साथ ही कंपनी इलेक्ट्रिक बाइक और सिंपल एनर्जी इलेक्ट्रिक कार भी अगले 15 सालों में लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है। तो आइए बात करते हैं सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर के डिलीवरी डेट के बारे में, जिसका लोग काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज लाइक द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फाउंडर सुहास राजकुमार ने चैट सेशन में बताया कि इसी साल सितंबर में स्कूटर की डिलीवरी की प्लानिंग की जा रही है, जो कि ऑनलाइन मोड में शुरू की जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी को आफ्टर 3 ईयर्स ऑफ वारंटी रिसाइकल भी किया जा सकता है। इसके लिए कंपनी के पास इंटरनली सिस्टम भी अवेलेबल है, जिससे कि लिथियम आयन को रिसाइकल किया जा सकता है। इससे यह फायदा होगा कि ई वेस्ट भी नहीं होगा और हमें चाइना जैसे देशों पर भी लिथियम आयन के लिए डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। और दूसरे इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरह आग लगने जैसी बातों पर फाउंडर का कहना है कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी को कूल रखने के चांसेस काफी हाई है। इसका मतलब यह है कि बैटरी काफी ज्यादा सेफ हैं, जिससे कि आग लगने के चांसेस भी बहुत ही कम हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुहास राजकुमार ने रोबोटिक्स में BMS यानी कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम पर काफी ज्यादा काम किया है, जिससे कि उनको बैटरी के मैनेजमेंट के बारे में काफी नॉलेज है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में जानने के लिए लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करें और इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में जानने के लिए राइट वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करके देख सकते हैं।